मेरा देवर रात होते ही गर्म हो जाता। सारी रात देवर के कमरे से आवाज आती। सुबह उसकी बीवी से पूछती तो कहती, भाभी आपके देवर को ठंडा कर करना मेरे बस की बात नहीं है। एक रात मैंने देवरानी के कपड़े पहने उसके कमरे में चली गई, मेरे होश उड़ गए। देवर की हालत तो ऐसी थी जैसे देवर की शादी की पहली रात, बहुत डरावनी थी। देवर जैसे ही अपने कमरे में गया बीवी के साथ लड़ने झगड़ने लगा, उनकी आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। शादी की पहली रात कौन से पति पत्नी लड़ते हैं, मुझे उनकी शादी की रात याद आ गई। जब हम दोनों पति पत्नी रात गए तक एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे, मगर देवर और उसकी बीवी का मामला उल्टा निकला था। देवर शादी की पहली रात अपनी बीवी से लड़ रहा था और मैं अपने कमरे में बैठी यह सोच रही थी कि क्या करूं। मेरे पति विदेश में जॉब करते थे, छुट्टी न मिलने की वजह से देवर की शादी में भी नहीं आ पाए थे। ऐसी हालत में अगर वह होते तो अपने भाई से बात कर लेते कि अपनी बीवी से क्यों लड़ रहा है, यह बात देवर से ज़रूर पूछ लेते। मैं तो उसकी भाभी थी इसीलिए चुपचाप उनका झगड़ा ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी, मगर झगड़ा कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं डर के मारे कमरे से बाहर तो नहीं निकली, मगर अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। अचानक देवर की कमरे का दरवाज़ा खुला, मैंने देखा कि देवर अपनी बीवी को खींच कर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बीवी बाहर नहीं आना चाहती थी। इसीलिए वह मिन्नतें कर रही थी कि मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे छोड़ दो, मुझे वहाँ नहीं जाना प्लीज़। देवर की बीवी की कुछ अधूरी बातें जो मुझे सुनाई दी थी तो मैं चौंक गई कि माजरा क्या है। मैं बाहर निकल ही रही थी कि देवर अपनी बीवी को ऐसे बेदर्दी के साथ घसीट कर बाहर लाया और उसे खाली कमरे में बंद करके दरवाज़ा से लॉक कर दिया। यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, यह क्या हो रहा है, मैं अपने दिल में सोच रही थी, मगर देवर के पास जाकर पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरा देवर बहुत गुस्से वाला था इसलिए मैं उसे कम ही बात करती थी। अभी मैं सोच ही रही थी कि देवर के पास जाकर पूछूं उसने अपनी बीवी को उस खाली कमरे में कैद क्यों कर रखा है, मगर देवर ने अपने कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी और फिर मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं किचन में आ गई, नाश्ता बनाया ही था कि देवर और उसकी बीवी किचन में आकर मैं घबरा ही गई थी। अरे तुम दोनों किचन में क्यों आए हो, मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में लाने वाली थी, मैंने शर्मिंदगी देखकर देवर कहने लगा। भाभी इसकी ज़रूरत नहीं है, यह हमारा अपना घर है। देवर की बात पर मैंने एक नज़र बीवी पर डाली, वह बहुत खूबसूरत और कम उम्र की थी, शायद 20 या 22 साल की होगी, मगर उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें उस वक्त बहुत सजी हुई थी, जैसे ही वह रात भर जागती रही हो। जानती तो मैं थी ही कि रात भर क्या होता रहा है, मगर वजह मुझे भी मालूम ना थी। देवर बड़े आराम से नाश्ता कर रहा था मगर उसकी बीवी अभी तक सर झुकाए बैठी थी। मुझे रात वाली बात याद आ गई जब मेरे देवर ने उसे चीख कर खाली कमरे में बंद कर दिया था। पता नहीं बेचारी कब तक बंद रही, मुझे इस पर तरस आने लगा। मैंने उसे पूछा, तुम नाश्ता नहीं कर रही हो, क्या हुआ है, कोई परेशानी है। मेरा प्यार भरा अंदाज सुनकर उसकी आँखें भीगने लगी। उसने कहा, दरअसल भाभी वह उसके आगे कुछ कहने वाली थी मगर मेरे देवर ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और मुझसे कहा, कुछ नहीं भाभी, रात को इसे बुखार हो गया था, मैंने इसे मेडिसिन दी थी, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मेरे देवर ने बात को टाल दिया। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे कुछ बात छुपा रहा था। नाश्ते के बाद मेरा देवर उठ खड़ा हुआ और अपनी बीवी से कहा, तुम फौरन अपने कमरे में जाओ और आराम करो। देवर ने बीवी को हुक्म दिया था, मैं चौंक कर रह गई। मेरा देवर अपनी बीवी के साथ ऐसा क्लेश क्यों कर रहा था, कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्लेश करता है। मैंने उसकी बीवी की तरफ देखा तो मुझे उस हमदर्दी होने लगी, क्योंकि पति की बात सुनकर वह बेचारी डर सी गई थी, मगर वह अपने पति के से सार डरती थी, तभी तो उसकी बात सुनकर वह फौरन अपने कमरे में चली गई थी। देवर सुकून से होकर घर से बाहर निकल गया, जबकि मैं सोचने लगी कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैं काम ख़त्म करने के बाद अपने पति को कॉल करी और उससे गुजरी रात वाली सारी बातें बता दी। मेरी बात के जवाब में पति कहने लगा, मेरा भाई शुरू से ही ऐसा है, उसे अपनी बात मनवाने की आदत है। उन दोनों पति पत्नी के बीच जो भी चल रहा है तुम उनसे दखल मत देना, वह खुद ही अपना मसला हल कर लेंगे। पति की बात पर मैंने भी सोचा कि मेरा पति ठीक ही कह रहा है, देवर कोई बच्चा नहीं है जो अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक कर रहा था। पति से बातचीत करने के बाद मैं किचन में आई और खाना बनाने लगी, मगर अब भी मेरे देवर की बीवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में खाना खाएं, मगर वह अपने कमरे से नहीं निकली तो मजबूर होकर मैं उसके कमरे में आ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था
वह अपने बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसके कंधे से हिलाया तो वह डर गई। मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे गेट खटखटाकर अंदर आना चाहिए था। मैं तुम्हें यहाँ कहने आई थी कि तुम खाना खा लो। मेरी बात सुनकर वह बाहर आई और मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगी। तभी उसका दुपट्टा नीचे हुआ तो मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर लाल निशान थे। अरे, यह तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ? मेरे यूं पूछने पर वह घबरा गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ऊपर किया और कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, यह कहकर एकदम खड़ी हो गई। अरे बैठो, खाना तो खा लो, मैंने उसे कहा तो वह कहने लगी, मुझे भूख नहीं है, यह कहकर अपने कमरे में चली गई। जबकि मैं हक्का बक्का रह गई। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा था। नई नवेली दुल्हन तो बहुत खुश होती है, लेकिन यह तो बहुत डरी हुई थी। मैं सारा दिन उसके बारे में सोचती। रात को मेरा देवर घर आया तो बहुत गुस्से में था। मैंने खाने का पूछा तो मुझे भी जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपने कमरे में गया और अपनी बीवी के साथ ऊँची ऊँची आवाज़ में लड़ने लगा। मैं किचन से निकल कर अपने कमरे में आ गई। खिड़की से जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि देवर ने किसी बात पर अपनी बीवी को थप्पड़ दे मारा। वह भी जाकर बेड पर उल्टे मुंह पड़ी आंसू बहा रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। देवर बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी को बिस्तर से उठाया और कमरे से बाहर चलने को कहा, मगर वह उसकी मिन्नतें करने लगी, हाथ जोड़ने लगी, मगर पति ने उस पर ज़रा तरस नहीं खाया। मैं डर के मारे कमरे से बाहर तो नहीं निकली, मगर अपने कमरे की खिड़की से देखती रही थी। अचानक देवर के कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि देवर अपनी बीवी को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बीवी बाहर नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वह मना कर रही थी। मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, प्लीज़। देवर की बीवी की कुछ अधूरे अल्फाज मुझे सुनाई तो दिए थे। मैं तो चौंकी, क्या हुआ है? मैं बाहर निकली ही थी कि देवर अपनी बीवी को ऐसे बेदर्दी के साथ बाहर ले आया। मैंने देखा कि देवर की बीवी का दुपट्टा दरवाजे पर गिर गया था। वह बिना दुपट्टे की उनकी मिन्नतें कर रही थी, मगर मेरे देवर पर जैसे कोई जुनून सवार था। वह बीवी को खींचता हुआ बाहर ले आया और उसे एक खाली कमरे में बंद करके दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। यह क्या हो रहा था? आज फिर देवर ने अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक किया था, मगर क्यों? इस बेचारे का क्या कसूर था? उसने अपनी बीवी को इस खाली कमरे में कैद क्यों किया था? मैं उन सवालों के जवाब अपने देवर से पूछना चाहती थी, मगर वह अपने कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हिम्मत करके बाहर निकल आई। मेरा पति कहता था, मेरा भाई शुरू से ऐसा है, उसे अपनी बात मनवाने की आदत है। उन दोनों पति पत्नी के बीच जो भी चल रहा है तुम उसमें दखलंदाजी मत करना। पति पत्नी का मामला है और तुम्हें बिना वजह बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर देवर की बीवी कम उम्र थी और देवर मेरे सामने उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा था यह सब मैं उसके साथ नहीं होने दूंगी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं भी एक लड़की थी और किसी दूसरी लड़की पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं अपने कमरे से निकली और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ी और काफ़ी वक्त से खाली पड़ा हुआ था। कमरा पहले बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेरे पति बहुत खुश मिजाज थे, उसके कई दोस्त थे। मैं शादी करके ससुराल आई तो यह कमरा बहुत रौनक वाला रहता था। शाम होते ही मेरे पति के दोस्त आ जाते थे। मेरे पति ऑफिस से आने के बाद सीधा इसी कमरे में चले जाते थे और 10 बजे तक अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते थे, क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे, इसीलिए मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मगर जब मेरे पति बाहर विदेश चले गए तो यह कमरा बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि मेरा देवर ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, इसीलिए कमरा काफ़ी टाइम से खाली रहता था, क्योंकि मुझे घर के साथ साथ उसकी भी सफाई करनी पड़ती थी। शायद उसकी चाबी मेरे देवर के पास थी, मगर मैंने दरवाजे के पास जाकर अपने कान लगा दिए। मुझे अंदर से दो आदमियों की आवाज़ सुनाई दी थी तो मेरे होश उड़ गए। यह मेरे देवर ने क्या किया? अपनी बीवी को इस कमरे में उन लोगों के बीच क्यों छोड़ दिया? मैं यही सोच रही थी कि अचानक अंदर से मुझे अपने देवर की बीवी की चीखें सुनाई दी और फिर वह चीखें जा रही थी। यह सब मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं अपने कमरे में आ गई और अपने कानों को हाथ लगाने लगी। पता नहीं अंदर उस बेचारी पर कैसा जुल्म हो रहा था। वह तो बहुत कम उम्र की थी, यह सब कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं सोच सोच कर अपने पति को कॉल करने लगी कि फिर रुक गई। जाहिर है वह अपने भाई की साइड लेगा, इसीलिए मैंने उसे कॉल नहीं की
और फैसला किया कि कल खुद ही देवर की बीवी से बात करूंगी। यह सोचकर मैं सुकून से सो गई। काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई, मगर सुबह के वक्त जाकर मेरी आँख लग गई। मगर फौरन ही मुझे किसी ने ज़बरदस्ती जगा दिया। मैंने आँख खोल कर देखा तो मेरा देवर था। मैं घबरा गई, वह आज तक मेरे कमरे में मुझे जगाने नहीं आया था। क्या हुआ, मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, भाभी मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसके पास जाएं, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं भागकर उसके कमरे में गई। सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने बेड पर मेरे देवर की बीवी बेहोश पड़ी थी। ना दुपट्टे का होश था और ना कपड़ों का। मैं जल्दी से अंदर गई और उस पर जल्दी से कंबल डाल दिया। मुझे उन लड़कों लोगों के साथ नहीं रहना, मैं वहाँ कमरे में नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मेरी मदद करो, वह बेहोशी में ऐसा कह रही थी। मैंने उसका चेहरा हिलाया और कहा, वहाँ उस कमरे में तुम्हारे साथ क्या होता, मगर वह बेहोश थी, मेरी बात शायद उसे सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए तो वह अपनी ही बात किए जा रही थी। मैंने उसके माथे को छुआ तो घबरा गई, क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार था। उस बेचारी लड़की के साथ कैसा सलूक हो रहा था। मैंने उसकी गर्दन से कंबल हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ एक गहरा कट लगा हुआ था। मैंने अपने देवर को एकदम बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि यह सब उसका कसूर था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसे आदमी शादी करके खुद को बीवी का मालिक समझ बैठते हैं। मैं इरादा कर लिया कि देवर आएगा तो उसे खूब खरी खोटी सुनाऊंगी। जानवर कहीं का, इस वक्त मेरे देवर डॉक्टर को लेकर आ गया था। डॉक्टर ने देवर की बीवी का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। मैं वहीं खड़ी थी, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है। डॉक्टर कहने लगी, यह लड़की किसी चीज़ की टेंशन ले रही है, मैं आराम और सुकून की दवाई लिखता हूँ, यह उन्हें दीजिए, यह कुछ सही हो जाएंगी। डॉक्टर यह कहकर चला गया कि आज मैं अपने देवर पर बरस पड़ी कि यह तुम्हारी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं, जिस पर तुम इतना जुल्म कर रहे हो। देवर को मेरी बात पर गुस्सा आ गया, वह कहने लगा, भाभी आप इस मामले में ज़्यादा तांग मत अड़ाइए, यह हम दोनों के पति पत्नी का मामला है। देवर की बात पर मेरा पारा हाई हो गया। हाँ हाँ, यह तुम्हारी बीवी है, मार डालो इसे, लेकिन प्लीज़ किस्तों में मारने की बजाय एक ही बार में मार दो, ताकि रोज़ रोज़ की तकलीफ़ से इसकी जान छूट जाए। मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी, तभी देवर की बीवी जाग गई और हमें लड़ता देखकर कहने लगी, प्लीज़ भाभी आप अपने देवर को कुछ ना कहें, उनका कोई कसूर नहीं है, यह मेरा कसूर है, मेरी गलती है, यह क्या करूं। रोने लगी, जबकि मुझे उनके ऐसे इमोशनल होने पर गुस्सा आ गया। तुम जैसी बीवियां ही अपने पतियों को सर पर चढ़ा देती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम एक दिन पछताओगी, पति की हर बात मत माना करो। मैं यह कहकर रुक गई और अपने कमरे में आ गई। मेरा देवर बहुत बदतमीज़ हो गया था, ऐसे दिलेरी से मेरी बेइज्जती कर दिया। मुझे गुस्सा आने लगा, दिल तो किया कि थप्पड़ खींच कर मार दूँ, मगर औरत हूँ, सोचा कहीं अगर उसने हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर दिल किया कि पति को कॉल करके सारी बातें बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि वह बेचारा विदेश में बैठा हुआ था, उसे क्या परेशान करना, इसीलिए गुस्सा रोक दिया। उस दिन के बाद मेरे देवर ने अपनी बीवी को कमरे से ही नहीं निकाला। यह देखकर मैं बेफिक्र हो गई, जो भी मामला था शायद सुलझ गया था, क्योंकि देवर की बीवी अब सुकून से नज़र आ रही थी। मैंने भी चैन का सांस लिया था, चलो इस बात से जान छूटी। देवर को कल आ चुकी थी, मगर यह मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि दो दिन बाद फिर से वही होने लगा। रात होते ही देवर अपनी बीवी से लड़ने लगा। मैं अपने कमरे से निकल कर आई, मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह दोनों किस बात पर लड़ रहे थे। दरवाज़ा बंद था, मगर मुझे मेरे देवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह बहुत ऊँची आवाज़ में बोल रहा था। देवर कह रहा था, यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि जो उसके वजह होश से काम लो, मगर तुम तो पागल हो चुकी थी, अब भुगतो। देवर की बात तो मुझे समझ नहीं आई, मगर उसकी बात पर जिस तरह उसकी बीवी रोने लगी थी, उसने मुझे सोच में डाल दिया था। पता नहीं इस लड़की ने क्या गलती हुई थी जो मेरा देवर बात बात पर उसे ताने मारता था। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें और मुझे उनके पास मत भेजे करें। कुछ देर बाद मुझे देवर की बीवी की आवाज़ सुनाई दी, वह बेचारी रो रही थी और पति की मिन्नत कर रही थी, मगर उसका पति पत्थर दिल हो चुका था, तभी तो उसने अपनी बीवी पर ज़रा सा भी तरस नहीं खाया था। वह कहने लगा, मैं तुम्हें शादी करके फंस गया हूँ, कुछ भी मेरे बस में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए तुम रोना बंद करो, जाओ
उसे कमरे में वह दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और प्लीज़ आज वह लोग तुमसे जो भी क्लेश करे तुम चुपचाप सहना। देवर की बात पर मैं हैरान रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर इतना बिगड़ सकता है। मैं अपनी ही बीवी को किसी दूसरे आदमी के पास अकेले कमरे में भेज रहा था और कह रहा था कि वह खामोश रहे, यह बात किसी को ना बताए कि देवर की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी कि ताकि अंदर जाकर अपने देवर को खरी खोटी सुना सकूं, मगर उस वक्त मेरे देवर ने मेरा नाम लिया। देवर अपनी बीवी से कहने लगा, क्योंकि भाभी को सब पढ़ा चुका हूँ, वह उस दिन भी मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि भाभी यह बात मेरे भाई को बता दे, क्योंकि भाभी गैर थी इसलिए मैंने उन्हें चुप करा दिया, मगर वह मेरे भाई हैं, उसे मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। देवर की बात सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, ठीक है, मैं आज की रात उन दोनों के पास जाती हूँ, मगर मैं लौटकर आपके पास नहीं आऊँगी। आप मुझे हर रात उनके पास जाने पर मजबूर करते हैं, हालांकि मैं सिर्फ आपकी वजह से उनके पास जाती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देवर की बीवी की बात सुनकर मेरा सर घूम गया। यह कैसी बीवी थी जो अपने पति के खातिर उसकी इच्छा गलत बात मान रही थी। अब मुझे देवर की बीवी पर गुस्सा आ रहा था, मगर उस वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला, देवर और उसकी बीवी बाहर निकले। मुझे वहाँ से भागने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं वहीं खड़ी रही। मुझे देखकर देवर का मूड बिगड़ने लगा। कहने लगा, भाभी आप रात के इस वक्त हमारे कमरे में के बाहर क्या कर रही हैं? देवर के पूछने पर मैं जवाब सोचने लगी। उन्होंने अब क्या जवाब दूँ, झूठ या सच? मगर मेरे जवाब देने से पहले देवर की बीवी कहने लगी, भाभी को कोई काम होगा, आप कोई बिना वजह भाभी पर शक कर रही हैं। ना भाभी, देवर की बीवी ने मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा, मगर देवर कहने लगा, कोई काम नहीं था, यह चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। भाभी, क्या आपको किसी ने नहीं बताया है कि किसी की बातें सुनना पाप है? देवर ने गुस्से से मुझे घोरा, जी बिल्कुल, किसी से चुप चुप कर बातें सुनना पाप है, मगर यह बताओ, रात के अंधेरे में खाली कमरे के अंदर अपनी ही बीवी को गैर आदमियों के पास भेजना पाप नहीं है? तो वह दोनों पति पत्नी हक्का बक्का रह गए। देवर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। यह आपने किससे कहा है? मैं भी फौरन जवाब दिया, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मेरी बात सुनकर देवर की बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, नहीं भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे पति ऐसे नहीं हैं, आप अपने कमरे में जाओ और आराम करें। यह सुनकर मैं उसका हाथ झटक दिया, आराम कैसा आराम, जब से जब इस घर में आई हो मुझे रात को तुम्हारी चीखें सुनाई देती हैं, पता नहीं तुमने मेरे देवर को कहाँ देखा और उसे कैसे शादी कर ली। और मेरे सवाल पर देवर की बीवी कहने लगी, भाभी मैं कल सुबह आपको सब कुछ बता दूंगी, प्लीज़ अभी आप अपने कमरे में जाइए। उसके बाद पर मैं कुछ नरम पड़ गई थी, मगर मैंने उससे कहा, मैं तभी अपने कमरे में जाऊंगी जब तुम रात को उसे खाली कमरे में नहीं जाओगी। मेरी बात पर देवर की बीवी कुछ कहने लगी थी कि देवर बोल उठा, भाभी आप यहाँ से जाएं या ना जाएं, मगर इसे कमरे में जाना पड़ेगा। देवर जैसे जिद पर आ गया था। मुझे फिर से गुस्सा आ गया तो मैंने कहा, तुम फिर मैं भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम दोनों मुझे असली बात नहीं बता देते। मेरी बात पर देवर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे चीख कर ले गया। वह बेचारी चुप रही, मगर मेरे घर के अंदर कोई मर्द देवर को ये सब नहीं करने दे सकती थी, इसीलिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ी और उस कमरे के दरवाजे के आगे जाकर उन दोनों का रास्ता रोक दिया। मुझे बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी, मेरी धमकी सुनकर देवर ने दरवाज़ा खोला और मुझे उसके अंदर ले गया। वह दो आदमियाँ भी बैठे हुए थे। देवर की बीवी कहने लगी, भाभी यह मेरे बाबा और भाई हैं, दरअसल मैं आपके देवर के साथ भागकर शादी की है और इस शादी को मेरे घर वाले नहीं मानते, इसीलिए घर वाले मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। रोज़ मेरा भाई और पापा मुझे मनाने आते हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं ताकि मैं अपने पति को छोड़कर उनके साथ जाऊं। मेरा पति उनको समझा कर थक चुका है, इसीलिए मुझे यहां भेज देता है ताकि मैं उनसे बात करूं, मगर यह लोग नहीं मानते। अब आप ही सब उनको समझाइए। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपने देवर को गलत समझ रही थी, मगर मेरा देवर अपनी जगह सही था, इसीलिए मैंने देवर की बीवी के घर वालों को काफ़ी दिन तक समझाया कि आपकी बेटी ने मेरे देवर के साथ अपनी मर्जी से शादी की है, वह बच्ची नहीं है और उसके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा भाई पुलिस में बड़ा ऑफिसर था,
जब मैंने देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही थी तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। भाई तो उस वक्त पुलिस की गाड़ी लेकर आ गए। पुलिस वालों को देखते ही उन लोगों का अंदाज बिल्कुल बदल गया। उनका भाई बोला, बहन जी जो होना था हो गया, अब हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन इस घर में खुश रहे। उनका बाबा बोला, आपको देखकर हमें तसल्ली हो गई, हमारी बेटी ने खानदानी आदमी से शादी की है। मेरे देवर और देवरानी ने सुख का सांस लिया। मैं पुलिस वालों को रवाना किया और भाई का धन्यवाद किया। यह एक बड़े झंझट में मेरी जान छूट गई थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।